22 मार्च को ऑटो टैक्सी और ओला उबर की हड़ताल का दिल्ली में असर ठीक वैसा ही रहा जितना समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लेने पर समुद्र में होता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो 22 मार्च की हड़ताल सुपर डुपर फ्लॉप रही। हमने पहले ही अपनी खबरों और दिल्ली के चालकों की राय के माध्यम से बता दिया था कि दिल्ली में हड़ताल को नाम मात्र का समर्थन है। दिल्ली में फेस फ्री ट्रांसपोर्ट का विरोध करने वाली कुछ संस्थाओं को चालकों ने दो टूक जवाब दे दिया है कि वह पूरी तरह से फेस फ्री ट्रांसपोर्ट के समर्थन में है। हड़ताल की घोषणा की थी है, जिस हड़ताल को हमारे ऑटो टैक्सी चालकों ने नकार दिया है। उन्होंने आम जिंदगी की तरह अपने ऑटो टैक्सी चला दिए और दिल्ली की जनता को सेवा दी है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी का जो उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है उसको पुरजोर समर्थन दिया है। आज दिल्ली की सड़कों पर आम दिनों की तरह से ही ऑटो रिक्शा टैक्सियां नजर आईं। यात्रियों को आसानी से ऑटो मिल रहे थे। सड़कों पर बेरोक टोक आसानी से ऑटो टैक्सी चालकों ने अपना काम किया। वहीं ओला उबर भी दिल्ली में आसानी से चलती दिखाई दी। ओला उबर की हड़ताल भी 22 मार्च को सुपर फ्लॉप रही। मोबाइल ऐप पर दो दो मिनट में दिल्ली से अलग अलग हिस्सों में कैब और बाइक मिल रही थी। कुल मिलाकर दिल्ली में 22 मार्च की हड़ताल का फ्लॉप होना बता रहा है कि दिल्ली परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा द्वारा फेस फ्री ट्रांसपोर्ट की योजना को दिल्ली के निजी व कमर्शियल वाहनों के चालकों का पूरा समर्थन है। अब बस इस योजना में आने वाली कुछ समस्याओं के समाधान को विभाग को जल्द से जल्द सुलझा कर इस पूरी योजना को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाना चाहिए। इस विषय में टोलवा के अध्यक्ष संजय बाटला ने भी एक वीडियो के माध्यम से अपना मत रखा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा संजय बाटला ने। आज दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर परिवहन से जुड़े सभी कमर्शियल वाहन चालकों, ड्राइवरों तथा अपने निजी वाहन वालों ने यह सिद्ध कर दिया कि दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री कुंद्रा जी के द्वारा जो मुहिम शुरू की गई है फेस फ्री, उसके समर्थन में हर व्यक्ति साथ है। लोगों द्वारा उसके खिलाफ बोली जाने वाली हड़ताल को नकार कर उन्होंने अपना पक्ष कुंद्रा जी के समक्ष रख दिया है। अब हमारी कुंद्रा जी से अपील है कि किसी भी कीमत पर फेस फ्री मूवमेंट में कोई भी ऐसी रुकावट ना आए जिससे कि उन लोगों को दुख हो। साफ है, दिल्ली में सभी वाहन मालिकों व चालकों का फेस फ्री ट्रांसपोर्ट को समर्थन मिल गया। अब जल्द से जल्द इस विषय में टोलवा सभी चालकों से इससे होने वाली परेशानियों को एकत्रित कर परिवहन आयुक्त से बैठक कर सकता है। कुल मिलाकर चालकों को फेस फ्री के लाभ बताने में एनटीवी, टोलवा और ज्वाइंट ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी का प्रयास रंग लाया और चालकों ने एकजुट होकर और हड़ताल को सिरे से नकार कर यह साफ कर दिया कि वह पूरी तरह से फेस फ्री ट्रांसपोर्ट के समर्थन में है। न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली।